सलाम वालेकुम, हाँ तो नाजी इस वक्त हम मौजूद हैं हाउस ऑफ जेडीसी में और यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा मेले का सब समय है और अभी स्टार्ट होने वाला है चंद दिनों में। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक खास चीज़ जो आप देखेंगे, ये छोटी प्यारी नन्ही मम्मी पेंसिल है। ये बच्चा नहीं, ये कम्प्लीट और पूरी डार्क आए आपको नजर आ रही है जी, बच्चे आ रहे हैं इसको बहुत शौक से देख रहे हैं और यहाँ पर अभी चंद दिनों में कोर्ट भी आने वाले हैं, काफी सारे यहाँ पर भी कोर्ट अभी चंद दिन आएंगे और जिसमें सफेद सूट भी होंगे, काले सूट भी होंगे और इसके अलावा ये अभी हमने आपको छोटी गाय दिखाई है, एक और छोटी गाय आपको दिखाते हैं, वो सबसे काली वाली, काली वाली छोटी सी गाय दिखाई है और ये देखें हमारे लिए क्या चीज़ है, लकड़ी सी, ये ना ये जो ट्रेन है ना ये कोई डायनासोर है, ये गाय है और ये बैठी भी गाय इतनी है जो कि खुद ही देख रहे होंगे, जब खड़ी हो जाती है तो तकरीबन 6.5 से ऊपर की होती है और इसको देखने के लिए ये करना पड़ता है। आप इसको जरा गौर से देखिए, सबसे पहले देखिए हमको मौका मिला तो हम आपको दिखाएंगे, जब ये खड़ी होगी तो इंशाल्लाह ताला अपने अगले वीडियो में, जब यहाँ पे काफी सारे ऊँट आ जाएंगे, जब यहाँ पे चलने की भी जगह होगी, यहाँ पे मेले का भी समा होता है, ईद का समा होता है, छुट्टी वगैरह की कहलाती है, यहाँ से हमारे बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत जानवर है, इसकी कीमत का अंदाजा मेरे लिए लगाना बहुत मुश्किल है और ये बहुत सारे मुखिया हजरात होते हैं जो कि जेडीसी को मतलब कुर्बानी के लिए जानवर वगैरह फराम करते हैं, इसलिए जेडीसी जो मुस्तैक हजरात होते हैं उन्हें गोश्त की तकसीम करते हैं। मैंने ऐसा कभी बछड़ा नहीं देखा, अबे हर साल आता है। ये है छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी गाय, गाय बोलेंगे बैल बोलेंगे, और एक ये है पिंकी पिंकी सी, पिंक कलर का फेस है इसका, बेचारी गुमसुम बैठी है। बिल्कुल पिंक सब फेस है और दिखाते हैं आपको, ये है वो गाय छोटी सी, इसके बारे में मैंने वो यहाँ पर आया, लेकिन इससे छोटी छोटी एक है वो दूर है यहाँ से काफ़ी। ये है कुछ जायंट किस्म की डियो हैकल जिसे कहते हैं, बस हाथी से थोड़ी सी छोटी है, गोश का पहाड़ जिसे कह सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जानवर है, इनके पीछे भी एक हैगा छोटी सी और ये भी कोई बच्चा नहीं है, ये भी बड़ी गाय है।
छोटी हाइट वाली। क्या कर रही है, पोज बना रही है ये। अभी यहाँ पे चंद दिनों में मेला लगने वाला है। मेला लगने का मकसद ये है कि जानबूझ के नहीं, ऑटोमेटिक एक मेले का समा हो जाता है यहाँ पर। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब आते हैं यहाँ पे, जमा होते हैं यहाँ पे, खूबसूरत और प्यारे प्यारे जानवर देखते हैं। खासतौर पर ऊँटों को देखने के लिए भी आते हैं बच्चे।